इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को फिर बड़ी कामयाबी, दो आतंकवादी ढेर। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों में लश्कर का एक टॉप कमांडर इश्फाक डार शामिल, 2017 से था सक्रिय। गुरुग्राम के फारुख नगर के पास 3 मंजिला इमारत गिरी, एक मजदूर की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका। गुरुग्राम में एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन, एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यूपी के संभल में दर्दनाक हादसा, सड़क किनारे खड़े बारातियों को बस ने रौंदा, 7 लोगों की मौत, कई जख्मी। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा, बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई, मौके पर दुल्हे समेत 4 लोगों की मौत, दुल्हन सहित 4 लोग बुरी तरह जख्मी। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र, 13 अगस्त तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सरकार इस सत्र में 29 विधेयकों को पेश कर पास कराने की करेगी कोशिश, जिनमें से 6 बिल हाल ही में बने ऑर्डिनेंस की जगह लेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे लोकसभा में नए मंत्रियों को कराएंगे उनका परिचय, दोपहर 12 बजे राज्यसभा में होगा परिचय। मॉनसून सत्र को लेकर विपक्ष ने भी कसी कमर, कोविड, किसान और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी। विपक्षी दल आज दोनों सदनों में कार्य स्थगन का नोटिस देंगे, किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू बनाए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने तत्काल प्रभाव से सौंपी जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस में अध्यक्ष के अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए, प्रदेश कमेटी में किया गया बड़ा बदलाव। संगत सिंह, कुलजीत नागरा, सुखविंदर सिंह डेनी और पवन गोयल बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष, सिद्धू की टीम में मिली अहम जिम्मेदारी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, मुंबई और रायगढ़ समेत कोंकण इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी बारिश के बाद मुंबई के चैंबूर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 19 लोगों की मौत, 5 घायल। मुंबई के विक्रोली में हुआ दर्दनाक हादसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 10 लोगों ने जान गंवाई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग लापता, मोंडा गांव में हुआ हादसा। दिल्ली एनसीआर में देर रात मूसलाधार बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। बिहार के रोहतास में मांझर कुंड में अचानक नहाने के दौरान सैलाब में फंसे 2 युवक, स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बचाया। महाराष्ट्र के नंदूरबार में खाई में गिरी कार, हादसे में 8 की मौत, 4 घायल, दुर्घटना के शिकार सभी लोग मध्य प्रदेश के बड़वानी के रहने वाले। नंदूरबार में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की, घायलों को मिलेगी 50,000 की मदद। रूस के साइबेरिया में जंगलों में लगी भीषण आग, एयरपोर्ट बंद करवा सभी विमान सेवा को किया गया सस्पेंड। इटली में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर डिपार्टमेंट ने 100 से ज्यादा लोगों को निकाला। पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया, 3 वनडे मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।